केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से बीकानेर के डॉक्टर करणी सिंह मैदान में चल रहे 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में देशभर के कलाकार भाग ले रहे हैं। कलाकार अपने राज्यों के लोक नृत्य और लोक संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसके अलावा महोत्सव में विभिन्न कलाकृति और हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की संस्कृति की झलकने को मिल रही है। बरसे बदरिया सावन की बरसे बदरिया सावन की बरसे बदरिया सावन की सावन की मन भावन की बरसे बदरिया एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव भी अपना योगदान दे सकता है। और 1000 से ज्यादा कलाकार आए हुए हैं पूरे देश से। जब वो मिलते हैं आपस में, बात करते हैं, उनमें भाईचारा बढ़ता है, बीकानेर का वो रसगुल्ला और भुजिया का स्वाद लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बीकानेर का भी मान सम्मान बढ़ रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव से। और जब हम समापन करेंगे होली के रंग संस्कृति के संग, तो आप देखना क्या माहौल बनने वाला है। इसमें संपूर्ण विभिन्न विभिन्न राज्यों के विशेष कलाकार अपनी कला प्रस्तुति दे रहे हैं। सारा भारत इस स्टेडियम में समा गया है। सारी संस्कृतियां यहाँ हमने को देखने को मिलती है। विभिन्न रूपों में भारत है जो अपने रंग बिखेर रहा है। सारे कलाकार खूब प्रशंसा बटोर रहे हैं। राजस्थान में ये बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में जो भारत सरकार द्वारा आयोजन हो रहा है, इसमें हमने बीकानेर की उस्ता कला को प्रदर्शन किया है, जिसमें बीकानेर की जो सुनहरी नक्काशी का जो बारीकी का काम है, जो ऊंट की खाल पर, लकड़ी के ऊपर, कांच के ऊपर जो अलग तरह के विभिन्न आयामों को काम किया है, उसको हमने अलग अलग रूपों में यहाँ पर दर्शाया है। बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा है, जो अपने आप में बहुत अनूठा है और बीकानेर के लिए बहुत बड़ा उल्लेखनीय है। इस योगदान के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि 1000 कलाकार बीकानेर में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे वो साउथ के कलाकार हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे उड़ीसा के हो, अपने आप में इन कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का श्री करणी सिंह स्टेडियम में मौका मिल रहा है।